टू माई चैनल। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो, एंड नाउ टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट इन 1 किडनी। एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो भी किडनी का फंक्शन है वो नेफ्रॉन ही मेन करने वाला है। इसका एक सिंपल डायग्राम हम लोग समझेंगे कि कैसे ड्रॉ करेंगे, और इसके सारे पार्ट्स को समझेंगे और तब इसके फंक्शन को। सबसे पहले इसके पार्ट में आप देखेंगे कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ब्लड किडनी में लाने वाला रेनल आर्टरी, जिसके कई ब्रांचेस हो जाएंगे और ठीक ये जो ब्लड को यहाँ ला रहा है इसका नाम एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को किडनी में ला रहा है यहाँ, और उसके बाद इसको ले जाने वाला, ठीक है, ये नैरो, और इसका नाम इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर ये ब्लड नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज भरा होगा, ग्लोमेरुलस, ठीक है, वोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। एक चीज और यहाँ नोटिस करना है, वुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस ये दोनों को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं मैल्पिगियल कैप्सूल, ओके। ब्लड कम्स इन ग्लोमेरुलस, यहाँ ब्लड आएगा बहुत फोर्स से, जिससे ब्लड में जो इम्प्यूरिटीज है, गंदगी है, वो यहाँ फिल्टर होगा। तो हम लोग साथ साथ में फंक्शन को भी समझते हैं। तो फंक्शन इसमें मेनली, यहाँ फंक्शन को पॉइंट में आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड पॉइंट रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड पॉइंट ट्यूबुलर सिक्रेशन, थर्ड पॉइंट ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस पार्ट में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जितने भी इम्प्यूरिटीज होंगे वो सब वाटर के साथ, ठीक है, 2/3 पार्ट ऑफ वाटर, यहाँ पे सब वाटर के साथ साथ सब ब्लड में से जो भी है सब इम्प्यूरिटीज फिल्टर आउट हो जाता है, और फिल्ट्रेट फिर यहाँ वोमेंस कैप्सूल में आके कलेक्ट हो गया। उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट,
नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, फिर यहाँ ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, ये ट्यूबुलर पार्ट, फिर यहां से ये स्ट्रेट, ठीक है, बनाना कितना आसान हो रहा है ना, उसके बाद यहां से फिर बस कंप्लीट पी सी टी ट्यूबुलर पार्ट, पी सी टी, पी सी टी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल मीन्स नियर टू बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल से नजदीक होने के कारण इसका प्रॉक्सिमल, एंड कन्वोल्यूटेड मीन्स ये क्या है ना, एकदम यहाँ कॉम्पैक्ट कर ली, ठीक है, ये मुड़ा मुड़ा हुआ है इसलिए इसको कॉन्वोलेटेड कहेंगे। स्ट्रेट हैंडलेस लूप, इसका नाम हैंडलेस लूप। नेक्स्ट डीसीटी, डीसीटी डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिजिटल मीन्स यहां से डिस्टेंट, दूर है ना वोमेंस कैप्सूल से, तो डीसीटी, और कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आप समझ गए हैं, ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अब ये फंक्शन में, फर्स्ट फंक्शन यहाँ रीअब्जॉर्प्शन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया है, यहाँ पे आप यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वाटर और साथ साथ में बहुत सारे जैसे यूरिया, ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, फिर और भी एमिनो एसिड, फिर ग्लूकोज, ये सब यहाँ फिल्टर फिल्ट्रेट के फॉर्म में यहाँ आ जाते हैं और फिर ये पीसीटी में आ गए, ठीक है। पीसीटी में आने के बाद अब यहाँ रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ फिल्ट्रेट में वाटर और इम्प्यूरिटीज आ गया, लेकिन कुछ यूजफुल सब्सटेंस जो हमारे ब्लड को चाहिए था वो भी यहाँ फिल्टर आउट होके आ गया, जिसको फिर से वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब, दोबारा से फिर से रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू से जो पीसीटी बना है, तो मोस्टली 2/3 वाटर और साथ में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन जो है यूजफुल, वो फिर से यहाँ से रीअब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं, जब चले जाते हैं। तो इस तरह से 2/3 जो वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, तो वाटर भी बॉडी में बैलेंस करने का काम भी किडनी करता है, जिसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो रीएब्जॉर्प्शन का काम मेनली पीसीटी और कुछ इसमें से सम वाटर एंड ग्लूकोज आल्सो एब्जॉर्ब इन हैंडलेस लूप, एंड रिमेनिंग जो कुछ भी वाटर और ये रह गया रिमेनिंग रीएब्जॉर्ब बाई डीसीटी। तो मेनली पीसीटी, फिर हैंडलेस लूप और डीसीटी, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन का काम हो गया, रीअब्जॉर्प्शन में यूजफुल चीज को वापस किया गया। नेक्स्ट ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो हार्मफुल मटेरियल जैसे कुछ सम केमिकल्स सच एज ड्रग, फॉरेन केमिकल्स, क्रिएटिनिन, ये सब जो ब्लड से यहाँ पे फिल्टर आउट होके आना था लेकिन नहीं आए पाए, उसको फिर से वापस यहाँ डीसीटी पार्ट में फिर से वापस यहाँ ले लिया जाता है इम्प्यूरिटीज में। तो ये फिर हो गया ट्यूबुलर सिक्रेशन। इस तरह वाटर और वाटर में यूरिया, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब मिलकर जो यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये यूरिन जो यहाँ फॉर्म हो गया वो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट हो जाएगा।
आप कलेक्टिंग डक्ट से इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी में आप पेल्विस पढ़े थे, पेल्विस और पेल्विस के थ्रू फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाएगा ये पूरा। तो इसमें आपका कितना क्वेश्चन छुपा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, और यूरिन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है। नेफ्रॉन का भी फंक्शन में यही अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, किडनी में भी यही फंक्शन और यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में भी इसी तरह से यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि फिर जितने भी वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट यूरिन के कंपोजिशन और डायलिसिस, बहुत सारे अभी टॉपिक और हैं, हम लोग फिर मिलते हैं। गुड बाय।